नमस्कार दोस्तों। सकल पदार्थ यही जगमाही, कर्म ही नर पावत नाही। गोस्वामी तुलसीदास की ये बातें मेरी इस कहानी में बिल्कुल सही साबित होती हैं। आइए कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक आलसी आदमी था। वो कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्लों की तरह बैठा रहता था। एक दिन घूमते घूमते वो जंगल में पहुंच गया। उसने देखा वहां पर एक आम का वृक्ष है। उस पर बहुत रसीले आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। अब वो आम तोड़ने के लिए आम के पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ा, उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी, जिसकी एक टांग टूटी हुई थी और वो लंगड़ाकर चल रही थी। लोमड़ी को देखकर उस आदमी के मन में आया कि ये जंगल में कैसे बच गई, इसका तो अब तक शिकार हो जाना चाहिए था। कुछ ही पलों में पूरा जंगल शेर की दहाड़ से गूंज उठा और जंगल के जानवर इधर उधर भागने लगे, लेकिन लोमड़ी की टांग टूटी हुई थी, वो नहीं भागी। थोड़ी देर में शेर लोमड़ी के पास आ गया। आदमी ऊपर बैठा बैठा सोच रहा था कि शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वो बहुत अजीब था। शेर लोमड़ी के पास आकर खड़ा हो गया और उसके मुंह में जो मांस का टुकड़ा दबा था उसने लोमड़ी के सामने रख दिया। लोमड़ी इत्मीनान के साथ उस मांस के टुकड़े से मांस खाने लगी और शेर वहां से चला गया। इस घटना को देखकर आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वोपरि है, सर्वे सर्वा है। इस धरती पर मौजूद हर प्राणी, चाहे वो जानवर हो या इंसान, सबके खाने पीने का प्रबंध करके रखता है। और यही बातें सोचता सोचता वो अपने घर लौट आया। घर आकर दो तीन दिन बिस्तर पर लेटा रहा और प्रतीक्षा करता रहा कि भगवान ने जैसे उस लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, ऐसे ही कोई ना कोई इंतजाम मेरे लिए भी करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख के मारे उसकी हालत खराब हो गई। आखिरकार वो घर से बाहर निकला। घर के बाहर उसे एक साधु मिले। वो साधु से पूछने लगा कि मैंने सुना है कि भगवान अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करते हैं। और उसने शेर वाली घटना उस साधु को बता दी। उस साधु ने मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया कि बेटा, आप सच कहते हो, लेकिन विश्वास जानिए कि भगवान आपको लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहता है। आप दूसरों का ख्याल करने लायक हो, भगवान यही चाहता है, आपसे यही उम्मीद करता है, इसीलिए आपको शेर की तरह भोजन नहीं भिजवाया। दूसरों का सहारा बने, अपने लिए सहारा ना ढूंढे, बल्कि दूसरों की मदद करने की कोशिश करें। आशा है मेरी कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।